देखेंगे केस स्टडी। हमने अगले लेक्चर में देखा था रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब हम देखेंगे केस स्टडी। तो हाउ वुड यू मेक अ केक यूजिंग आइसक्रीम स्टिक, आप आइसक्रीम की स्टिक की मदद से आप केक कैसे बना सकते हैं वो आपको देखना है। फॉर दिस वी नीड टू थिंक एंड राइट द स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा स्टेप पहले करेंगे, कौन सा स्टेप बाद में करेंगे। आपको ये पूरा करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा। वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ अदर मटेरियल फॉर मेकिंग द केक। हमें केक बनाने के लिए हमें दूसरे मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी, सच एज द पीसीज ऑफ पेपर टू मेक द फेस एंड द टेल ऑफ द केक। यहाँ पे जो केक का फेस है उसको बनाने के लिए हमें पेपर के पीसीस की ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी जो टेल है वो भी बनाने के लिए भी पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं तो वो देखिए। अब टेक फाइव आइसक्रीम स्टिक्स, यहाँ पे देखिए आपको फाइव आइसक्रीम स्टिक्स दिख रही है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट आउट एन ओवल शेप एंड ड्रॉ अ कैट्स फेस ऑन इट। यहाँ पे आपको जो कैट का फेस दिख रहा है वो पेपर पे कट किया हुआ है ओवल शेप में, और उसके बाद उस पर ड्रॉ किया हुआ है कैट का फेस। अब सेकंड स्टेप देखिए। प्लेस द आइसक्रीम स्टिक हॉरिजॉन्टली एंड स्टिक द फेस ऑन वन एंड ऑफ इट। यहाँ पे आप जो कैट का फेस है उसके एंड में हमें हॉरिजॉन्टली आइसक्रीम की एक स्टिक है वो प्लेस करनी पड़ेगी। देखिए उसके बाद थर्ड, टेक फोर मोर स्टिक्स एंड स्टिक थर्ड टेक फोर मोर स्टिक्स एंड स्टिक टू द हॉरिजॉन्टल स्टिक एज द कैट्स लेग्स। यहाँ पे उसके बाद कैट के लेग है वो हमें हॉरिजॉन्टली वो प्लेस करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप देखिए, कट अ टेल फोर पीसीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट इट ऑन द अदर एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्टिक। उसके बाद यहाँ पे जो कैट की टेल है वो हमें पेपर पीसीस से बनानी पड़ेगी, और उसके बाद जो एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्टिक, जो हॉरिजॉन्टल स्टिक है उसके एंड में हमें उसको प्लेस करनी पड़ेगी। फिफ्थ, ड्रॉ स्मॉल लाइन एंड लाइंस ऑन द ईच ऑफ द स्टिक्स यूजिंग अ स्केच पेन फॉर द कैट्स फर। यहाँ पे आपको स्केच पेन से उसकी लाइंस है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। नाउ लेट अस कंसीडर अ रियल लाइफ सिनेरियो। योर क्लास हैज़ टू प्लान अ पिकनिक, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू डू दिस। अब हम रियल लाइफ में ये प्लानिंग कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो आप अपने क्लास में पिकनिक प्लान करते हैं तो वो पिकनिक का प्लान आप कैसे करेंगे वो आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द टीचर फॉलो आर द मेन स्टेप्स दैट विल हेल्प इन द प्लानिंग फॉर द पिकनिक। आप टीचर की मदद से ये प्लानिंग है वो आपको बनानी है। तो फर्स्ट देखिए, प्लान द लोकेशन, डेट, टाइमिंग, मोड ऑफ ट्रैवल एंड अदर डिटेल्स। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, तो आपका जो प्लान है वो पिकनिक का उसका लोकेशन आपको, आप किस जगह जाना चाहते हैं वो आपको तय करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी डेट, उसका टाइमिंग, कितने दिन तक जाएंगे, कब जाएंगे, कब वापस आएंगे, उसका मोड ऑफ ट्रैवल, आप बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, किस तरह जाएंगे वो आपको तय करना पड़ेगा, और कई सारी अदर डिटेल्स है उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। अब सेकंड आप क्या सोचेंगे, तो मेकिंग अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी डन।
यानी कि आपकी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसके बारे में आपको जो लिस्ट है वो उसको बनानी पड़ेगी। थर्ड, लिस्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। फोर्थ, उस थर्ड आपको स्टूडेंट की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन कौन पिकनिक में आना चाहता है उसके बारे में। फोर्थ, थिंक अबाउट हाउ टू एन्जॉय एंड हैव फन ऑन द पिकनिक। आप पिकनिक में किस तरह से एन्जॉय करेंगे उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए, ईच ऑफ दिस स्टेप्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सिंपल स्टेप्स एज शोन बिलो। यहाँ पे आपको फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड मेकिंग लिस्ट, थर्ड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ हैविंग फन। तो फर्स्ट देखिए प्लानिंग। ए, चूज एन आइडियल लोकेशन फॉर द पिकनिक। आपको ऐसा प्लेस चूज करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपको सबको मज़ा आए। बी, डिसाइड द डेट एंड टाइमिंग। उसके बाद आपको टाइम एंड डेट तय करना पड़ेगा कि आप किस तारीख पे जाएंगे और किस तारीख पे वापस आएंगे, उसका टाइमिंग है वो चेंज तय करना पड़ेगा कि आप सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, रात को जाएंगे और वापस किस टाइम पे आएंगे, कितने दिन तक जाना चाहते हैं वो भी तय करना पड़ेगा। सी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर पिकनिक। पिकनिक के लिए हर एक स्टूडेंट के पास से आप कितना पैसा कलेक्ट करेंगे वो आपको तय करना पड़ेगा। सेकंड, मेकिंग लिस्ट। ए, मेक अ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू गो टू द पिकनिक। यहाँ पे आपको स्टूडेंट की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जो पिकनिक में आना चाहते हैं वो। बी, कलेक्ट मनी फ्रॉम ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट। उसके बाद आपके जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है उसके पास से आपको मनी कलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी फीस कलेक्ट करनी पड़ेगी। सी, डिपॉजिट द अमाउंट एट द फी काउंटर। उसके बाद जो फी काउंटर है उसमें डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्ट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको अरेंज करना पड़ेगा कि आप कहाँ किस तरह से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या फिर प्राइवेट व्हीकल लेके जाएंगे, ठीक है। थर्ड देखिए, इंस्ट्रक्शंस। अब मेक अ लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ साथ में ले जा सकते हैं, कौन कौन सी नहीं ले जा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, ए देखिए, डिसाइड द ड्रेस कोड। हम यहाँ ड्रेस कोड रखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे स्कूल के बच्चे का ड्रेस यही है, ताकि हमें पता चले कि हम हमारे साथ कितने लोग आए हैं, और गलती से भी कोई गुम हो जाए तो हमें पता चले कि हमारा ड्रेस कोड यही है और वो स्टूडेंट हमें आसानी से मिल सकता है। बी, नो मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक्सेट्रा। हम अपने साथ मोबाइल नहीं ले जा सकते, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो हम साथ में नहीं ले जा सकते। सी, ऑल स्टूडेंट शुड रीच द स्कूल बाय द डिसाइडेड टाइम। सारे स्टूडेंट को जो पिकनिक में आना चाहते हैं वो स्टूडेंट को स्कूल जो डिसाइड किया हुआ टाइम है वो टाइम पे स्कूल पर पहुंचना पड़ेगा। अब देखिए, हैविंग फन। अ प्लान सम गेम्स एंड एक्टिविटीज़। हम कोई भी प्लान गेम या फिर एक्टिविटी को प्लान करते हैं ताकि हमें मज़ा आए। बी, म्यूजिक टू बी प्लेड। हम म्यूजिक सुनते हैं। सी, स्नैक्स एंड ड्रिंक टू बी सर्व्ड इन द बस। हम जो नाश्ता करते हैं और जो हमें ड्रिंक लेते हैं वो। डी, फूड टू बी सर्व्ड। उसके बाद हम फूड लेंगे। द कंसेप्ट ऑफ स्टेप वाइज थिंकिंग कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाई दिस एग्जाम्पल। उसका यह जो केस स्टडी का कंसेप्ट क्या है कि हम स्टेप वाइज सोच सकते हैं और हम हमारा जो प्लानिंग है वो हम ईजिली समझ सकते हैं और ईजिली कर भी सकते हैं हमारा प्लानिंग। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हैव बीन यूज टू एनालाइज द टास्क। रीजनिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उससे हम हमारा जो टास्क है उसको एनालिसिस कर सकते हैं।
देन कन्वर्ट द कॉम्प्लिकेटेड टास्क इंटू सिंपल स्टेप एंड प्रिडिक्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू अचीव द डिजायर गोल। यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा उसको हम सिंपल टास्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाए और हम हमारे गोल तक पहुँच सके। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।